नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आशा है आप सभी अपने घरों में होंगे, लॉकडाउन होंगे, सभी नियम का जो प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा होगा उसका पालन कर रहे होंगे। लगातार वसई विरार में बहुत सारी कोरोना पेशेंट मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ध्यान में रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप खबर पर, कल रात से लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक शख्स है, बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का नाम है सत्यनारायण शर्मा। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति बहुजन विकास अघाड़ी के एक कार्यकर्ता से संबंध रखता है, उसी के कार्यालय में आना जाना रहता है। मैं आपको छुपाऊंगा कुछ नहीं, बता देता हूं कि वो कौन सा कार्यकर्ता है जिससे इसका संबंध बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सत्यनारायण शर्मा प्रदीप सिंह के से संबंध है उनका, यानी उनके कार्यालय में आना जाना है। और प्रदीप सिंह कौन है? प्रदीप सिंह बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उत्तर भारतीय समाज के लिए काम करने के लिए आगे रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एक बात दूसरी, प्रदीप का संबंध किससे है? बताया जा रहा है कि अब्दुल हक पटेल नगर सेवक, उनसे उनका एक संबंध है, उनकी मित्रता है। अच्छा, इस बात को हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं कि वीडियो और इस पूरी जो मैंने संबंध बताया उससे उनका ताल्लुक क्या है, जरा समझिए। एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर वीडियो का इन लोगों से संबंध कैसा है। अगर आधार कार्ड की जरूरत लिए हो तो ठीक है, नहीं सुबह सब अपना अपना आधार कार्ड अपने किसी में लिए रहना। हाँ, आधार कार्ड वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब लाइन में हम लोग लग के लेंगे टोकन ना? टोकन तो हम देंगे आपको, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। साइड में खड़े रहेंगे, लाइन नहीं लगा, टोकन हम ही से देंगे आपको। अगर यहाँ सुनिए बात मेरी, यहाँ से अगर बस रहेगी तो बस में टोकन दे के बैठा देंगे। अगर बस ही चलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे सब बस ही चलो, हम भी बस ही में आपको मिलेंगे। हाँ, वही मतलब आप दे रहे हैं, हम लोग कैसे भी करके। हाँ, तो बता, जैसे कि मैं कहता हूँ हम लोग जाने वाले, ये भैया नहीं जाने वाले। हाँ, कि मतलब हम लोग मतलब बस ही में जाए, आप तो हम लोग वहाँ मिल जाएंगे ना। पूरा 1200-1300 आदमी यहाँ के रहेंगे, हमारे श्री रामनगर से जो ट्रेन में जाएगी वो श्री रामनगर वार्ड नंबर 41 जो नगर सेवक उनके वार्ड से जाते, पंकज सेठ देखो अभी गई रहे, अलग अलग एरिया हर नगर सेवक को वार्ड से ट्रेन है, सब मांगते रहते हैं हमको, जो हमको दे, जिस दिन नंबर आता है उस दिन मिलता है। कन्फर्म कर दो, अभी तो पता चला कल गाड़ी है कि नहीं। वैसे बिहान है 10 बजे 10:15 बजे मैं फ़ोन करके बता दूँगा, अगर जाएगी तो आपको भी मालूम पड़ेगा ट्रेन गई है। अगर हम लोग फार्म भी भरे हैं, अगर फार्म पे आ गया तो फार्म पे आ गया तो बहुत बड़ी बात है। कब भरे थे? भरा हूँ पहले से भी। नहीं बता दो तो मैं बता दूंगा, आप दो यहीं भरे हो ना? हाँ, 2-3 फार्म नाम लिख के दे दो, मैं यहीं देख लूँगा कंप्यूटर में। नाम तो क्लियर नहीं है, नाम है। पहली बात देखो, मेरी बात सुन लो, 1300 आदमी यहाँ से जाएंगे, ट्रेन में 1600 आदमी जाएंगे, 300 वहाँ पुलिस वाले के रहते हैं, पुलिस वाले भी अब जैसे मैं भेज रहा हूँ ना वैसे पुलिस वाले पैसा लेके बैठते हैं। मेरी बात सुन लो, 1600 आदमी ट्रेन में जाएंगे, गिनती के 1600 जाएंगे। अच्छा, ये नहीं जैसे अगर हम लोग को मान लो अगर आ गया तो? आ गया तो आपको मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा तो ही मतलब पैसा तब तो रिटर्न ले लेंगे, हमको उधर मिलेंगे। वही बात मतलब पूछ रहा हूँ, अगर तुमको पहली बात आएगा नहीं वहाँ, बता रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ, सब जिसका सिटिंग है उसी का नंबर आ रहा है, समझे ना। 20,000 आदमी फॉर्म भरे हैं, 20,000। काम करो, आधार कार्ड लेके साथ में रहेंगे, चलेगा ना? हाँ, सब अपना वहाँ मांगे अपना ही खीसम से निकालो, और गाड़ी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाने का चना भूजा चना ये सब अपना व्यवस्था करके जाना। नहीं जैसे कि चाचा ही काम होता हूँ, देखो ये ना जिससे जरूरत है, सामान जिन्हें है और साथ में और 3 जने हैं, अगर जाओ आपको जाना हो तो हमको 10 बजे तक फोन करके यहीं पे मिल लेना, 10-11 बजे तक हम सब ऑफिस में रहते, 10-11-12 बजे तक। तब पैसा दूँ? पैसा तो अभी जिसको जाना हो दे, और कहाते हैं 2-3 आदमी। हाँ, और है जैसे कि आपका टोकन बढ़ा के क्या बोल, समझ गया, आधा जैसे दे देते आधा तक। हेलो, हाँ निकल देगा जाना। हाँ, आ रहा है ना, उधर मिलो ना नंदू के पास। देखो जब पैसा क्यों ना बताऊँ, रोक बैठ ठोक होता है, जिसका पैसा जाता है उसी का नाम फिक्स होता है, कौन जाएगा तुमको सही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सब अभी जो खाने पीने का जो हम घर पे नहीं ले जाते, यहीं दारू आती है, मटन आता, दुनियादारी आता, सब यहाँ पर 1-1.5-2 बजे तक हमारे स्टाफ में 35 आदमी हैं टोटल,
हाँ समझ रहा हूँ, वही सब खर्चा पानी अपना निकल जाता है साइड, वही घर पे ले जाकर रोजी रोटी नहीं चला भाई। तो ये बोल रहा हूँ चाचा, जैसे अभी हम लोग हैं छः जन, देखो यहाँ ज्यादा चल रहा हूँ, मस्त हम लोग हैं छः, ठीक बात, पैसा यहाँ हमारे पास ना आया, दूर जा लेके आई, तो हमें जैसे हमारा पैसा कल सवेरे मिले वाला है। अगर मान लो कल ये बताओ तुम, हम सब तो सुबह 5 बजे से वहाँ पर गेट के अंदर रहूँगा, इतनी गर्दी हो जाती है, संभालना, टोकन लगाना, दुनियादारी, हम थोड़ी आपसे मिलने के लिए आऊँगा। हाँ बोला संतोष को फोन करा, ये भैया गाजर नहीं जाने वाले, अच्छा ठीक है नहीं जाने वाले, देखो ये गाँव नहीं जाने वाले, इनके हाथ में पैसा देखिए, इनको जहाँ बोलेंगे वो ला के दे देंगे, उसके ये पैसा ला के दे देंगे, जहाँ बोला आपको बैठने को, मैं तो तुम्हारा आते बैठने के बोले, हाँ वो भी सही है ना, ला के दे देना पैसा जब खाली हो गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जाना है, किसी को जाना है, नहीं जाना है कि कोई दूसरे जाना है, 10-11 बजे रात तक उनको एडजस्ट कर दें, सुबह अपना देना तो है, जाना कल आने वाला है ना, घर वाले अरे धर्मेंद्र भाई उधर खड़े हैं, ठीक है मैं अगर गाड़ी जाएगी 5 बजे तुमको उधर मैदान में मिलूंगा, 5 बजे तो आपको मैं 5 बजे ही दे दूंगा, लेकिन लेकिन ये है कि हम लोग इसे 6 जन का दे रहा हूँ, और हम लोग के पास छोटा बच्चे लोग को तो लगेगा नहीं, नहीं छोटे के नहीं लगेगा, कितने साल तक नहीं लगेगा, 6-7 तक नियम है, नहीं लगता, 6 साल तक है, 8 साल की लड़की मेरी मतलब वो चलो चल जाएगी, चल जाएगी उसके बाद गोलू का चल जाएगा, फिर नेहा का लेना पड़ेगा, तो मतलब 2-4-6 जने के दे ही रहे थे, 4 जने का रह गया था, कल को मेरे में मतलब अपन पैसा जुगाड़ के कमाई, ठीक ठीक, लेकिन टोकन तो पूरा चाहिए हमें, अगर जितना जने का है उतना टोकन दे दूंगा, एक नंबर से फोन करना, घड़ी घड़ी सब नंबर से, यही 2 नंबर से फोन आएगा, 64 वाले से आएगा, कितना दिए 6 आदमी और अभी 4 आदमी का बाकी है, 4 आदमी का, कल वो टोकन ठीक है दे देंगे, फोन कर लेना कितना, वैसे हम जब गाड़ी जाना रहेगा तो मैं 5 बजे रहूँगा, गर्दी बहुत हो जाएगी, जाना 1300-5000 आदमी जुटेंगे, मैं क्या बोलता हूँ आप मेरा, आप हम लोग का 10 टोकन चाहिए टोटल, आखे ना 10 टोकन ऐसा होता है जैसे 801 से 811 तक जितना टोकन ऐसे मिलेगा वो 10 टिकट हो गया, वही जो मतलब ये वीडियो आपने देखा। अब मैं आता हूँ संबंध कैसा है बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं से। सत्यनारायण शर्मा बताया जाता है, इनके मुंह पे जो मास्क है उसका कलर तो आप देख ही चुके हैं। अब आम तौर पे ऐसे कलर के मास्क मिलते भी हैं, हम मान लेते हैं कि वो उस पार्टी के कलर का मास्क नहीं पहना है, वो साधारण पहना है, हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये कैसे माने कि वार्ड नंबर 41 का जिक्र किया है उसने, और कई कई नाम भी, एक दो बीच में नाम भी लिए हैं, उन नामों को ध्यान से सुना ना आपने। इसके अलावा आखिर ये बताइए उस व्यक्ति ने ये क्यों कहा कि 30 से 35 लोग हैं जिन्हें ये पैसा बांटना पड़ता है, तो वो क्यों? वार्ड नंबर 41 जो जिक्र किया है उसके नगर सेवक कौन है, ये बात आप लोग अच्छी तरह ना जानते हो तो बता दें, अब्दुल हक पटेल, और अब्दुल हक पटेल के ही वार्ड का इस व्यक्ति ने जिक्र क्यों किया। उसके अलावा प्रदीप सिंह और सत्यनारायण शर्मा का कोई संबंध नहीं है, तो आखिर मुझसे बातचीत में एक सूत्र के हवाले से वो व्यक्ति ने साफ तौर पर मुझे बताया कि इस प्रदीप सत्यनारायण शर्मा का एक संबंध है, कार्यालय में जाते रहते थे सत्यनारायण शर्मा। आखिर सत्यनारायण शर्मा के पास ये टिकट वितरण का जो पूरा षड्यंत्र है वो इनके पास पहुंचा कैसे, आखिर कैसे ये मजदूरों को ठगने में कामयाब हुए अगर इसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता तो? क्या आपको लगता है कि सत्यनारायण शर्मा जैसे वसई तालुका में कोई भी शख्स ऐसा हो उसके पीछे अगर किसी भी सत्ताधारी या गैर सत्ताधारी मजबूत व्यक्ति का हाथ नहीं होगा तो क्या वो ऐसे काम करने में, काले काम करने में कामयाब हो सकता है?
हालांकि ये सब एक शक है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कि 35 से 30 से 35 लोग किनको उसे रुपया बांटना पड़ता है। जांच होनी चाहिए कि सत्यनारायण शर्मा के पास आखिर किस प्रकार से टिकट वितरण का ये ढकोसला कैसे पहुंचा। जांच होनी चाहिए कि आखिर सत्यनारायण शर्मा कैसे मजदूरों को ठगने का काम इतनी बेबाकी से कर लेता है। जाँच होनी चाहिए उस वेबसाइट से जहाँ पर ये टिकट वितरण के लिए या किसी को जाना है तो एक वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक रूप से डालना पड़ता है, फिर उसकी पुष्टि होती है, जांच होती है, उसके बाद उसे जाने की अनुमति मिलती है। तो आखिर यह व्यक्ति कैसे इतने विश्वास से कह सकता है कि आप अपने नाम दीजिए, मैं पता करूंगा कि तुम्हारी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई, लाइन में लगिए, टोकन मैं दूंगा। ये सारा कुछ गंभीर जांच का विषय। वार्ड नंबर 41 प्रदीप सिंह सत्यनारायण शर्मा, इन सब का सच क्या है, ये गंभीर जांच का विषय है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।